दीदी, अगस्त माह 2024 में स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ में 3 नई नौकरी निकली हुई है। ये 3 नई नौकरी है, समूह सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी, ग्राम संगठन सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी, संकुल स्तरीय संघ सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी। ये नौकरी एकदम नई नौकरी है और स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ में इस समय निकली हुई है। दीदियां आवेदन कर रही हैं और इसमें आवेदन लिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो में आज हम आप सभी को इस नौकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताते हैं कि स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ में सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी किस प्रकार की नौकरी है, आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने हैं तो फॉर्मेट आपको कहां मिलेगा, फॉर्मेट को कैसे भरना है, कहां पर जमा करना है, इस नौकरी में कौन कौन सी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, आवेदन करने हैं तो योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, कार्य क्या करना होगा, मानदेय कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, A to Z संपूर्ण जानकारी विद प्रूफ के साथ आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ये देखिए पूरा फॉर्मेट है, आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर आवेदन फॉर्म, स्वयं सहायता समूह सामुदायिक ऑडिटर, ग्राम संगठन सामुदायिक ऑडिटर, संकुल स्तरीय संघ सामुदायिक ऑडिटर। तो दीदी, समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ में सामुदायिक ऑडिटर की वैकेंसी निकली हुई है, आवेदन लिया जा रहा है। तो इस फॉर्मेट को कैसे भरना है अभी आगे हम वीडियो में बताएंगे, वीडियो में बने रहें। तो एक एक करके तीनों पदों के बारे में हम आप सभी को जानकारी देते हैं कि जो दीदी स्वयं सहायता समूह की सामुदायिक ऑडिटर बनेगी तो समूह की ऑडिटर बनने के लिए योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो पहली नौकरी जो समूह में निकली हुई है, स्वयं सहायता समूह सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी। तो इस नौकरी में आवेदन करने हैं तो योग्यता हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती है, उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए और इसमें कार्य अनुभव मांगा जा रहा है। समूह स्तर का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिखने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी जो दीदी आवेदन करेगी उसको स्वयं सहायता समूह का रजिस्टर लिखना आना चाहिए और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और इस नौकरी में स्वयं सहायता समूह में कुल कितने पद हैं, 100 पद बताया जा रहा है प्रति ब्लॉक। अब जान लीजिए जो दीदी सामुदायिक ऑडिटर बनेंगी उनको कार्य क्या करना होगा, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जो भी स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उन सभी समूहों की ऑडिट करनी होगी, यानी जांच करनी होगी, अंकेक्षण करना होगा ऑडिटर के रूप में, और जांच करने के बाद उसका रिपोर्ट CLF एवं ब्लॉक स्तर पर ले जा करके जमा करना होगा, ठीक है। तो इसमें मानदेय कितना मिलेगा, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, इसमें जो है जो दीदी समूह की ऑडिटर बनेंगी उनको 300 रुपया प्रतिदिन कार्य के हिसाब से दिया जाएगा और कुल कितने समूह की जाँच करनी होगी, मानक बताया गया है 150 से लेकर 300 स्वयं सहायता समूह की जांच करनी होगी, ठीक है। और दूसरी नौकरी जो ग्राम संगठन में निकली हुई है, ग्राम संगठन सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी, ग्राम संगठन का ऑडिटर बनने के लिए योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो देखिए, इसमें योग्यता हाई स्कूल मांगी गई है, जो दीदी हाई स्कूल पढ़ी लिखी है आवेदन कर सकती है, उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए, इसमें भी कार्य का अनुभव मांगा जा रहा है। तो इसमें देखिए, समूह स्तर का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिखने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यहाँ पे जो अनुभव मांगा जा रहा है रजिस्टर लिखने का समूह का, तो यहाँ पे 3 वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद या समूह के आंतरिक ऑडिट करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि आप समूह में ऑडिटर के पद पर 1 वर्ष कार्य कर चुकी हैं तो आप ग्राम संगठन की ऑडिटर बन सकती हैं, ठीक है, यही अनुभव इसमें मांगा जा रहा है। तो ग्राम संगठन में कुल पदों की संख्या 75 है प्रति ब्लॉक। जो दीदी ग्राम संगठन की ऑडिटर बनेंगी उनको कार्य क्या करना होगा, इसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए दीदी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जो स्वयं सहायता समूह का ग्राम संगठन बना है तो दीदी को जो है ग्राम संगठन की ऑडिट करनी होगी और इसकी रिपोर्ट CLF में जमा करनी होगी, ठीक है। ग्राम संगठन की ऑडिटर बनेंगी, ग्राम संगठन का अंकेक्षण करेंगी, ठीक है। तो इनको मानदेय कितना मिलेगा, तो देखिए 500 रुपए से लेकर 600 रुपया प्रतिदिन कार्य के हिसाब से इनको दिया जाएगा और कम से कम 100 VO से लेकर 150 VO की जांच करनी होगी, यानी 100 ग्राम संगठन से लेकर के 150 ग्राम संगठन का अंकेक्षण इनके द्वारा किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जो है ले जा करके संकुल स्तरीय संघ में जमा करेंगी, ठीक है। अब तीसरी नौकरी जो निकल करके सामने आई हुई है, संकुल स्तरीय संघ सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी। तो इसमें भी जान लीजिए योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया। तो देखिए, इसमें योग्यता में परिवर्तन कर दिया गया है क्योंकि संकुल स्तरीय संघ का सामुदायिक ऑडिटर बनना है तो इसमें योग्यता जो है इंटर पास मांगा गया है। जो दीदी इंटर पास है वह दीदी
भी आवेदन कर सकती हैं। उम्र 21 से 45 वर्ष होना चाहिए और इसमें भी अनुभव मांगा जा रहा है। तो ग्राम संगठन का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड लिखने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि आप ग्राम संगठन का रजिस्टर लिखती हैं और 3 वर्ष का अनुभव है तो ही आप संकुल स्तरीय संघ की ऑडिटर बन सकती हैं, ठीक है। और कुल पद जो है 12 है जनपद स्तर पर। अब जो दीदी संकुल स्तरीय संघ की ऑडिटर बनेंगी उनको कार्य क्या करना होगा, तो देखिए दीदी ब्लॉक स्तर पर जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन बने हैं यानी जो भी संकुल स्तरीय संघ बने हुए हैं, तो CLF ऑडिटर को संकुल स्तरीय संघ की जांच करनी होगी, संकुल स्तरीय संघ का अंकेक्षण करना होगा और अपनी रिपोर्ट ले जा करके ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जमा करना होगा। अब इसमें मानदेय कितना मिलेगा, तो 700 रूपए से लेकर के 800 रूपए प्रतिदिन कार्य के हिसाब से इनको दिया जाएगा और कम से कम 10 CLF की जांच करनी होगी। अब जान लीजिए इस नौकरी में कौन कौन दीदी आवेदन कर सकती हैं। तो इस नौकरी में दीदी केवल स्वयं सहायता समूह की ही दीदियां आवेदन कर सकती हैं और वही दीदियां आवेदन कर सकती हैं जो अपने स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ का रजिस्टर लिखने का अनुभव उनके पास होना चाहिए और दीदी किसी भी पद पर कार्य कर चुकी हो, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, वही दीदी आवेदन कर सकती हैं, बाकी अन्य दीदियां आवेदन नहीं कर सकती हैं। अब जान लीजिए इस नौकरी में आवेदन करने हेतु फॉर्मेट आपको कहां मिलेगा, तो देखिए इसका फॉर्मेट आपको आपके ही ब्लॉक स्तर एवं संकुल स्तरीय संघ में मिल जाएगा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय पर और स्टेप बाय स्टेप सभी ब्लॉकों में आवेदन लिया जा रहा है और फॉर्मेट जो है दिया जा रहा है। दीदियां फॉर्मेट लेकर के आवेदन कर रही हैं, ये है फॉर्मेट, आप सब देख सकते हैं। चलिए जान लीजिए फॉर्मेट को कैसे भरना है और इसके साथ आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेगा। तो देखिए यह है फॉर्मेट आंतरिक सामुदायिक ऑडिटर आवेदन पत्र। तो यहाँ पे देखिए 3 पदों पर नौकरी निकली हुई है, स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ में, समूह में स्वयं सहायता समूह सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी, ग्राम संगठन में सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी, संकुल स्तरीय संघ सामुदायिक ऑडिटर की नौकरी, ठीक है। तो तीनों पदों के लिए इसी प्रकार का आवेदन फॉर्म रहेगा। तो जिस भी पद पर आप आवेदन करना चाहती हैं तो यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा गया है आवेदित पद का नाम, जिस भी पद पर आप आवेदन कर रही हैं वो पद यहाँ पे आपको ऊपर लिखना होगा। जैसे आप स्वयं सहायता समूह की ऑडिटर के पद पर आवेदन करना चाहती हैं तो यहाँ पे लिखना होगा स्वयं सहायता समूह सामुदायिक ऑडिटर, ठीक है। यदि आप ग्राम संगठन के पद पर आवेदन करना चाहती हैं तो ग्राम संगठन ऑडिटर, यदि आप संकुल स्तरीय संघ का ऑडिटर बनना चाहती हैं तो यहाँ पे जो है आपको संकुल स्तरीय संघ का ऑडिटर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आवेदक का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आयु, पति का नाम, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर, पता, ठीक है। उसके बाद आवेदक के समूह का नाम, आवेदक के ग्राम संगठन का नाम, संकुल स्तरीय संघ का नाम, शैक्षिक योग्यता, क्रमांक, शीर्षक, उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, ठीक है, ये आपको भरना है अपने सर्टिफिकेट से देख करके। उसके बाद आप स्वयं सहायता समूह में किसी भी पद पर कार्य कर रही हैं या कर चुकी हैं तो उसका अनुभव संबंधी विवरण यहाँ पे आपको भरना है, क्रमांक, संस्था का नाम, पद, पारिश्रमिक, मानदेय, जो भी आप कार्य कर रही हैं जिस पद पर उसमें आपको कितना मानदेय मिलता है पारिश्रमिक में आपको भरना है और अवधि कब से कब तक आप काम कर चुकी हैं कर रही हैं वो भी डालना है और कुल कितना काम आपकी है कुल महीनों में यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। अब जान लीजिए आवेदक के प्रशिक्षण संबंधी विवरण, यदि आप स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कार्य कर रही हैं समूह सखी ICRP वगैरह के पद पर तो आपने कुल कितना प्रशिक्षण लिया है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से उसका विवरण यहाँ पे आपको भरना है, क्रमांक, प्रशिक्षण का नाम और किस स्तर पर आपको प्रशिक्षण दिया गया है, ग्राम, ब्लॉक, जनपद, राज्य स्तर पे वो आपको भरना है और आगे है कुल प्रशिक्षण दिवसों की संख्या, कुल कितने दिनों का प्रशिक्षण आपने लिया है, 3, 4, 5 जो भी है आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए क्या आवेदक अपने विकास खंड या विकास खंड के बाहर जाकर कार्य करने के लिए सहमत है, यदि आप बाहर रहकर भी काम करने के लिए सहमत हैं तो यहाँ पे जो है सही का निशान लगा दीजिए हाँ, ठीक है, यदि नहीं तो आप लिख सकती हैं नहीं। उसके बाद आवेदक के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, आप अपने आवेदन फॉर्म के साथ जो भी आवश्यक दस्तावेज लगा रही हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद आवेदक के समस्त शैक्षिक अनुभव, प्रशिक्षण, ऋण संबंधी स्वप्रमाणित छाया प्रति यहाँ पे आपको जमा करनी होगी। तो यहाँ पे जो है आपका जो है शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आप कितना पढ़ी लिखी हैं वो लगेगा और अनुभव प्रमाण पत्र भी लगेगा और आप समूह से कितनी बार ऋण ली हैं वो भी आपको यहाँ पे उसकी भी फोटोकॉपी आपको लगाना होगा, ठीक है। अगला है पहचान पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की फोटोकॉपी
भी लगेगी। ठीक है, उसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर करना होगा। ग्राम संगठन की मुहर लगेगी, ग्राम संगठन के पदाधिकारी के द्वारा अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संकुल स्तरीय संघ की मुहर लगेगी और जो संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारी हैं उनका हस्ताक्षर किया जाएगा। तो ये है फॉर्मेट, इस प्रकार का फॉर्मेट आपको आपके ही ब्लॉक पर मिल जाएगा और यही सारे आवश्यक दस्तावेज लगेंगे इसमें आवेदन करने हेतु। और इस समय स्टेप बाय स्टेप सभी ब्लॉकों में आवेदन लिया जा रहा है, दीदी लोग आवेदन कर रही है। तो यदि आप लोग दीदी स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ की ऑडिटर बनना चाहती हैं तो आप लोग भी आवेदन कर सकती हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। इस फॉर्मेट को भर करके संकुल स्तरीय संघ ब्लॉक स्तर पर आपको जमा करना होगा और इसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा। जो दीदी लिखित परीक्षा इंटरव्यू को पास कर लेंगी उसी दीदी का चयन इस नौकरी में कर लिया जाएगा। तो दीदी स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ में इस समय ये नई नौकरी निकली हुई है, 3 पदों पर ये नई नौकरी है। तो दीदी सामुदायिक ऑडिटर से संबंधित ये नई अपडेट निकल करके सामने आई हुई है, तो वीडियो के माध्यम से यह जानकारी हम आप सभी को बता रहे हैं। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई से नई अपडेट बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और हाँ दीदी, इस वीडियो से संबंधित यदि आप सभी के मन में कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।